नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हॉकफी न्यूज में। दोस्तों, कोरोना काल में लोग वैसे ही परेशान हैं, उसके ऊपर से कई जगह मानवता को शर्मसार कर देने वाले मामले सामने आ रहे हैं। अब झारखंड की इस घटना को ही ले लीजिए। यहाँ एक एम्बुलेंस चालक अपनी घटिया मानसिकता के चलते एक मृत व्यक्ति का शव सड़क पर ही छोड़कर भाग गया। बताया जा रहा है कि मजदूर छत्तीसगढ़ का रहने वाला है और वो यूपी के नेवरी में चिमनी भट्टा में मजदूरी करता था। इसी काम के दौरान बीते शनिवार वो ट्रैक्टर की चपेट में आ गया था, जिसके चलते उसकी मौत हो गई थी। रविवार रात को पोस्टमार्टम के बाद उसका शव उसके घर भेजा जाने वाला था, लेकिन एम्बुलेंस चालक ने बीच सड़क में मृतक के शव और उसके साथ चल रहे गांव के दो लोगों को उतार दिया। उसने उनसे कहा कि वो गाड़ी में तेल भरवा कर वापस आ रहा है, लेकिन फिर वो वापस लौटा ही नहीं। इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली ये खबर स्थानीय थाना क्षेत्र में आग की तरह फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में किया। अब पुलिस शव को उसके घर पहुंचाने की कार्यवाही कर रही है। मृतक का नाम राम प्रसाद मिंज बताया जा रहा है। उसकी उम्र 25 वर्ष थी। वो छत्तीसगढ़ के आमाझरिया गाँव का रहने वाला था। थाना प्रभारी वीरेंद्र हांसदा के अनुसार शव को जल्द ही उसके परिजनों तक पहुंचाया जाएगा, साथ ही आरोपी एम्बुलेंस चालक पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल ये चालक फरार है, ऐसे में पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। इस पूरी घटना को लेकर सोशल मीडिया पर लोगों में गुस्सा देखा जा रहा है। सभी ये सोच रहे हैं कि क्या सच में कलयुग आ गया है। आखिर कोई व्यक्ति इतना निर्दयी और भावहीन कैसे हो सकता है। मृत इंसान को लेकर भी लोगों के मन में कोई भावनाएं नहीं बची हैं। ये काफी दुख की बात है कि आजकल इंसान बहुत ही संवेदनहीन हो गया है। वो सिर्फ अपने ही बारे में सोचता है, जैसे उसके अंदर की इंसानियत मर चुकी हो। एक एम्बुलेंस चालक की जॉब बहुत ही जिम्मेदारी वाली होती है। मरीज की जिंदगी उसकी ड्राइविंग पर निर्भर करती है। अब जरा सोचिए, यदि किसी एम्बुलेंस को ऐसा संवेदनहीन व्यक्ति चलाएगा तो वो मरीज के प्रति गंभीर कैसे होगा। ऐसे व्यक्तियों पर आपकी क्या राय है, ये बात हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरें प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।